चलिए जी, इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन एंड इन एनिमल्स के क्वेश्चंस हम करेंगे फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर के कर चुके हैं, आज सेकंड चैप्टर के करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कौन सा क्वेश्चंस है, गिव बिलो फ्रॉम 1 to 4 आर द सम फूड आइटम्स। फूड आइटम्स इसने दे रखे हैं कुछ, और हमें क्या बताना है, विच ऑफ दम विल गिव ब्लू ब्लैक कलर। तो ब्लू ब्लैक कलर कौन सा, कौन देता है जिसमें स्टार्च प्रेजेंट हो। अब स्टार्च किस किस में प्रेजेंट होगा, बॉयल्ड एंड मैश्ड पोटैटो में होगा प्रेजेंट, येस। ग्लूकोज सोल्यूशन में नहीं होगा, क्योंकि जब स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाता है आगे, तब वो शुगर में कन्वर्ट होता है। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड में होगा स्टार्च, मस्टर्ड ऑयल में स्टार्च नहीं होगा, ये फैट्स हैं। ठीक है, तो आंसर क्या क्या हुए इसका, फर्स्ट एंड थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, बी ऑप्शन आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शन। कौन से हैं कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बट फंक्शन सेम होता है। फंक्शन सेम किसका होता है, मोलर और प्रीमोलर का होता है, चूहे हमें ग्राइंडिंग का, बेसिकली इनका फंक्शन होता है। तो इसका ऑप्शन आ गया बी। रीड केयरफुली द टर्म्स गिवन बिलो। Which of the following set is the correct combination of organs that do not carry out any digestive function? तो first में ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, इन तीनों का ही डाइजेशन में कोई काम नहीं होता है। ईसोफेगस का काम होता है सिर्फ फूड को लेके जाना फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। एंड रेक्टम में जो है फीसिस जो है स्टोर होती है थोड़ा टाइम के लिए, और फिर उसको बाहर निकाला जाता है थ्रू रेक्टम। तो डाइजेशन में इनका कोई काम नहीं है। तो आंसर इज ए थर्ड का। फोर्थ है, द स्वेलोड फूड मूव्स डाउनवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज ऑफ। अब जो एलिमेंट्री कैनाल में खाना नीचे जा रहा होता है, किसकी हेल्प से जा रहा होता है, मस्कुलर फोर्स की वजह से जा रहा होता है। द फ्लो ऑफ, जो फोर्थ आंसर है, द कंसर्न कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो ये डी इसका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट मे एंटर अलॉन्ग विद द फूड। ठीक है, ए सही है। प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग, म्यूकस करता है प्रोटेक्शन। डाइजेस्ट स्टार्च इंटू सिंपल शुगर्स, नहीं। मेक्स द मीडियम एल्कलाइन, एसिडिक करता है मीडियम को। तो आंसर फिफ्थ का ए है। फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ अमीबा हेल्प्स टू इंजेस्ट फूड, हाउएवर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन हेल्प टू, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन क्या होते हैं, विलाई होती हैं, और उनमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो सी आंसर होगा सिक्स क्वेश्चन का। सेवन्थ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द विलाई। एंड इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट विच इनेबल द विलाई टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। दे हैव थिन वॉल्स, येस। They have a network of thin and small blood vessels. Second भी सही है। They have small pores, नहीं pores वगैरह कुछ नहीं होते। They are finger like projections. तो 1, 2 and 4, तो A option होगा 7th का। The false feet of amoeba are used for movement and capture of food. तो answer इसका C है। Then enzymes present in the saliva convert. Saliva में जो enzyme present होते हैं वो किस पे काम करते हैं, वो starch के ऊपर काम करते हैं उसको simple sugars में convert करने के लिए। तो इसका answer B होगा 9th का। टेंथ क्वेश्चन है, कट इज़ द नेम गिवन टू द फूड ऑफ रिमिनेंट विच इज़ स्वेलोड एंड पार्शली डाइजेस्टेड। तो कट जो है वो क्या है, स्वेलोड होती है और पार्शली डाइजेस्टेड होती है। बी, चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टर्म्स दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले क्या होगा, रूमिनेंट्स में स्वेलो करते हैं, फिर पार्शल डाइजेशन होगा, उसके बाद चूइंग ऑफ कट एंड देन कम्प्लीट डाइजेशन। तो ए सही है। ट्वेल्थ है, सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंसेज आर गुड सोर्स ऑफ रफेज इन ह्यूमन बींग्स बिकॉज ह्यूमन्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो ट्वेल्थ का ए है। अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ये, डाइजेस्टेड फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है विलाई में। टेस्ट ऑफ द फूड इज़ परसीव्ड टंग। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड, कहाँ प्रोड्यूस होता है भाई, लिवर में होता है। मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। टंग इज अटैच्ड टू द रूफ ऑफ द माउथ कैविटी एट द बैक। रूफ से नहीं होती भाई, ठीक है। बी है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज लॉन्गर एंड वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी गलत है, लार्ज इंटेस्टाइन तो छोटा होता है।
स्मॉलर एंड वाइडर होता है. सी है म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम डैमेज, करेक्ट है. ऑल हेटरोट्रोप्स हैव अ सिमिलर बेसिक प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, सही है ये. चूज़ द ऑड वन आउट फ्रॉम ईच ग्रुप एंड गिव रीजन्स. तो यहाँ पे फर्स्ट में हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ऑड वन आउट क्या होगा, लिवर, सलाइवरी ग्लैंड, स्टार्च, गाल ब्लैडर. तो लिवर, सलाइवरी ग्लैंड और गाल ब्लैडर ये तीनों तो क्या हो गए, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, मतलब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं, बट स्टार्च तो इनके साथ मैच नहीं कर रहा, तो फर्स्ट में स्टार्च है. देन स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, लाइवरी ग्लैंड. यहाँ पे स्टमक है कि लीवर, पैनक्रियास, लाइवरी ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स हैं और वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग से हिस्सा हो गया. टंग, एब्जॉर्प्शन, टेस्ट, स्वेलो. तो टंग हेल्प करती है टेस्ट में और स्वेलो में, तो एब्जॉर्प्शन इज़ नॉट पार्ट, एब्जॉर्प्शन इज़ द आंसर है. ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम ये डाइजेशन में पार्ट नहीं लेते, तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द ऑड वन आउट. यू आर ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द ड्रिंक्स प्रोवाइडेड इन टू डिफरेंट ग्लासेस. यू कुड आइडेंटिफाई ड्रिंक ए एज लाइम जूस एंड बी एज बिटर गोर्ड. हाउ कुड यू डू इट इन स्पाइट ऑफ बींग ब्लाइंड फोल्ड. क्योंकि भाई डाइज वो तो टंग ने करना है ना टेस्ट, तो कर सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेचिज फ्रॉम डैश टू डैश माउथ टू एनस. टीथ एंड आर रूटेड इन सेपरेट सॉकेट्स बिटवीन द गम्स. डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट्स इन द माउथ एंड गेट्स कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, लिवर. 18th क्या है हमने, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एब्जॉर्ब फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन देयर यूटिलाइजेशन को क्या बोलते हैं हम, एसिमिलेशन. ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इन टू सिम्पलर एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेज क्या होता है, डाइजेशन. रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड वो क्या हुआ, इजेशन. टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज इंजेशन. ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड एंड सोल्यूबल फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू ब्लड वेसल उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन. तो सारे जो प्रोसेस हैं उनको एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे. अब कौन कौन से एनिमल्स में क्या मोड ऑफ फीडिंग है. हाउस फ्लाइंग में स्पॉन्जिंग होती है, तो ए का हमारा थर्ड हुआ. कॉकरोच में बाइटिंग एंड च्यूइंग होगा. मॉस्किटो में सकिंग होगा फोर्थ. एंड इन्फेंट्स में सकलिंग होगा, दे सकल द मिल्क. बूजो टुक सम ग्रेन्स ऑफ बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब ए एंड च्यूड राइस इन टेस्ट ट्यूब बी. तो कौन से में हमारा चेंज होगा, फर्स्ट वाले में होगा, च्यूड राइस में टेस्ट जो स्टार्च का टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है सिंपलर शुगर में, ठीक है. अब ए गॉट गॉल ब्लैडर रिमूव. अगर गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया तो भाई क्या प्रॉब्लम होगी उससे, बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है, और उसके फैट्स की डाइजेशन में उसको प्रॉब्लम होएगी यहाँ पे. अब कॉलम वन और टू को मैच करना है, तो रेक्टम में क्या होगा, फीसिस. गॉल ब्लैडर में क्या होगा, बाइल जूस. स्टमक में क्या होगा, स्टमक में हमारा म्यूकस है. टंग क्या करेगी, टेस्ट बड होते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन, रूमिनेंट्स सच एज काउ एंड बुफेलो स्वेलो देयर फूड हरीडली एंड देन सिट रेस्टफुली एंड च्यू देयर फूड, कैन यू रीज़न वाई. ठीक है, तो इसमें सारा वो रूमिनेंट्स की डाइजेशन को एक्सप्लेन करना है कि वो पहले स्वेलो करेंगे फूड को और उसके बाद स्टोरेज में जाएगा सीधा जहाँ पे उनकी पार्शल डाइजेशन होती है, और देन इट कम्स बैक इन द माउथ जब च्यूइंग उनकी दोबारा से होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा एंड पहेली वर ईटिंग देयर फूड हरीडली सो दैट दे कुड गो आउट एंड प्ले ड्यूरिंग रिसेस. सडनली बूजो स्टार्टेड कफिंग वायलेंटली. थिंक ऑफ द रीजन्स वाई ही वॉज कफिंग एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. तो इसमें जो आंसर आएगा वो ये है कि भाई जो फूड पाइप और जो विंड पाइप हैं उनका एक कॉमन पैसेंज होता है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, और वहाँ पे एक कवरिंग होती है एपिग्लोटिस. तो जब भी खाना खा रहे होते हैं तो जो कवरिंग है एपिग्लोटिस वो कवर कर लेती है विंड पाइप को. बट अगर जल्दी जल्दी में खाना खाया और या फिर मतलब उस टाइम पे बात कर रहे हो आप खाना खाते हुए, तो वो एपिग्लोटिस उसको कवर नहीं कर पाता विंड पाइप में, और थोड़ा बहुत खाना जो है फूड पाइप में अगर जाने लगता है तो कफिंग शुरू हो जाती है. वो नेचुरल रिएक्शन होता है बॉडी का, और अगर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो जाए तो चोकिंग भी हो सकती है. नाउ फिलप्स आएंगे यहाँ पे. तो फर्स्ट क्या है, द डाइजेशन ऑफ ऑल फूड कंपोनेंट्स इज कंप्लीटेड बाय द डैश जूस. कौन से जूस, इंटेस्टाइनल जूस से होता है. लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स डैश वाटर एंड क्या करेगा, और सॉल्ट्स.
from undigested food. Tongue is attached at the back और टू द फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी. ठीक है, फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी पे होती है ना कि ऊपर रूफ पे. द माउथ कैविटी एंड इट इज़ फ्री एट द फ्रंट. अमीबा पुशेज आउट डैश सुडोपोडिया अराउंड द फूड एंड ट्रैप्स इट इन अ फूड वैक्यूल. नाउ 26 क्वेश्चन में आपको टीथ दिए हुए हैं और इस तरह के जो है टीथ बताने हैं हमें. तो कटिंग एंड बाइटिंग टीथ जो हैं वो सामने वाले होंगे चार, क्योंकि ये एक ही जॉ दे रखा है यहाँ पे. पियर्सिंग एंड टीथ वो जो है दो चार के उधर उधर जो दो टीथ हैं वो होंगे हमारे कैनाइंस. जो ए हैं वो इंसीजर्स होंगे. और ग्राइंडिंग एंड चूइंग टीथ जो हैं वो यहाँ नीचे में दो इधर चार यहाँ पे होंगे. और जो उनको क्या बोलते हैं मोलर, और जो ओनली अडल्ट में देखा वो प्री मोलर हैं. तो पीछे के तीन तीन टीथ जो हैं दोनों वो प्री मोलर हो गए. तो इसका मैंने पहले जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो है टीथ फॉर्मूला होता है ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर, और नीचे 2123 2123 ऐसे करके होता है, जहाँ से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो कितने नंबर ऑफ टीथ हैं. नेक्स्ट हमारा आता है भाई कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज इट. बाइल जूस इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर. बाइल जूस कहाँ स्टोर्ड होता है? गॉल ब्लैडर में, लोकेटेड नियर इट्स ऑर्गन ऑफ सिक्रीशन लीवर. लीवर में बनता है सिक्रीट और स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर रिलीजेस द बाइल जूस इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेन एवर फूड रिचेज देयर. जब भी खाना इंटेस्टाइन में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस जो है रिलीज होता है इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन. दो बाइल जूस इज डिवोर्ड ऑफ एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट. अब ध्यान की बात क्या है इसमें कि बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है. तो इसका फंक्शन क्या है कि फैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड ईजिली बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आर प्रेजेंट एज लार्ज ग्लोब्यूल्स. जो फैट्स हैं वो एज सच उनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो. तो बाइल जूस क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन द बिग फैट ड्रॉपलेट्स इन टू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स. तो ये है फंक्शन बाइल जूस का. अब ये देखिए, ये चीज़ आपके NCERT वाली बुक में कहीं मेंशन नहीं थी, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल गई, वरना हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलती. ठीक है, दीज आर देन ईजिली डाइजेस्टेड बाई एंजाइम्स रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज. तो जो पेनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होते हैं वो इसको फिर ईजिली कर लेते हैं. विच ऑर्गन सिक्रीट द बाइल जूस? तो ऊपर वाले पैराग्राफ से आपको क्या आंसर मिलता है? लीवर. वाई इज डाइजेशन ऑफ फैट्स डिफिकल्ट? क्यों है डिफिकल्ट? क्योंकि भाई वो लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसको तोड़ना मुश्किल है. हाउ डज बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड? कि जो लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है वो. वेयर इज डाइजेशन ऑफ फैट कम्प्लीटेड? स्मॉल इंटेस्टाइन में. डज द बाइल जूस डाइजेस्ट फैट कम्प्लीटली? नहीं, बाइल जूस सिर्फ उसको ब्रेक डाउन करता है. अब लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स एंड नेम दैम. तो यहाँ पे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सा होगा? लिवर होगा. ऑर्गन वेयर प्रोटीन डाइजेस्ट एंड स्टार्ट स्टमक में होगा. द ऑर्गन दैट रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑर्गन दैट रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस इज द पेनक्रेटिक. यस, पेनक्रियास. द ऑर्गन वेयर बाइल जूस गेट स्टोर्ड इज गॉल ब्लैडर. अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29 में आपके नंबर ऑफ टीथ. इंसीजर कितने होंगे? ICPM मैंने बताया था. ICPM इंसीजर के नाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. तो ICPM इंसीजर के नाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इसका फॉर्मूला क्या है? 2123 2123. तो ये जो 2123 क्या है, ये सिर्फ एक साइड का है, हाफ है ये. कि अगर हम सिर्फ राइट हैंड साइड की बात करें तो दो ऊपर दो नीचे, तो सिमिलरली उधर भी ऐसे ही होंगे. तो टोटल नंबर इंसीजर कितने होंगे? 8. कैनाइंस कितने होंगे? टोटल नंबर 2123, वन ऊपर वन नीचे दो, और दो उधर, तो चार होंगे कैनाइंस. प्रीमोलर कितने होंगे? प्रीमोलर हमारे होंगे दो, चार, और उधर टोटल 8 हो जाएंगे. और मोलर कितने होंगे? 12 होंगे, 3 3 ऊपर नीचे, और उतने ही दूसरी साइड में, तो 12 हो जाएंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ टीथ में आपके माउथ में हो सकता है कम मिलें, क्योंकि कई जो पीछे वाले मोलर होते हैं वो बाद में आते हैं जब एडल्ट्स एज में जाते हैं. ठीक है,
कंपेयर द नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ इन अडल्ट, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद ये हमें दे रखा है, इसको कंप्लीट करना है पज़ल को। तो फर्स्ट पेनक्रियाज हो सकता है, तो ये आप कर सकते हो, इसको थोड़ा दिमाग लगाइए। फर्स्ट है क्रीम कलर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड अक्रॉस पेनक्रियाज, अनडाइजेस्टिड एक्सक्रीटरी सॉलिड रेजिड्यूज। तो थर्ड कहाँ है, उसमें आपका फीसिस आ जाएगा। चलिए फोर्थ ऑर्गन दैट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड, टंग आएगा यहाँ पे फोर्थ में। पॉइंट ऑफ द डिफिकेशन इज, पॉइंट ऑफ डिफिकेशन एनस। स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर इज बाइल जूस, सेवन में बाइल आ गया। फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज विलस, तो ये विलस आ जाएगा यहाँ पे टेंथ में। काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स कौन से काइंड ऑफ कह रहा है, तो थर्टींथ इज सलाइवरी। काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स की बात कर रहा है तो सॉर आ जाएगा यहाँ पे आंसर। किल्स बैक्टीरिया इन द स्टमक, तो क्या करता है वो, कौन होता है, एसिड होता है फोर्टीनथ का, हाँ एसिड आ जाएगा। फीड्स विद द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया अमीबा होगा। टोटल नंबर ऑफ मोलर्स इन वन जॉ ऑफ एन अडल्ट, सिक्स क्या है, कहाँ है सिक्स, तो सिक्स होंगे ये, हाँ मोलर्स। लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर होगा। वाटरी सिक्रेशन इन द माउथ, सलाइवा रूमिनेंट है काऊ, फॉर्म ऑफ फूड च्यूड बाय द रूमिनेंट्स इज कट, तो ये इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए जी, ये हमने सॉल्व कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।